हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदया एकेडमी। वी आर नवोदयन कलम से क्रांति। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरेशनलिटी ऑफ सम नंबर। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट टू प्रूव ए नंबर इरेशनल वी प्रोसीड बाय कंट्राडिक्शन। हम विरोधाभास के द्वारा प्रोसीड करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जो कथन हमें सत्य प्रूव करना है उसी का उल्टा मान लेते हैं, और जो हम माने हैं उसी को गलत साबित कर देंगे। इस तरीके से जो हमें दिया हुआ है वह सत्य साबित हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को हम परिमेय मान लेंगे। उसको परिमेय मानने के बाद हम क्या कर देंगे, जो हम माने हैं उसको गलत साबित कर देंगे, मतलब हम परिमेय को गलत साबित कर देंगे, अर्थात 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। चलिए प्रोसीड करते हैं। सर्वप्रथम इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम चाहें तो परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर इसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बिना परिमेयीकरण की सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः अगर यह परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 क्या लिख देंगे, p/q के रूप में। और यहाँ कंडीशन क्या लग जाएगी, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है तथा पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक के सेट से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब हो सकता है कि पी और क्यू दोनों ही नंबर में कोई भी नंबर 1 के अलावा उभयनिष्ठ कॉमन हो, तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए हम इस तरीके लिखेंगे। माना 3 एवं 2 दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे कैंसिल करने पर, जब उसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। और कंडीशन क्या लग जाएगी, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तथा a b क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए ये कंडीशन लगने के बाद अब हम क्या करते हैं, √2 को उस तरफ भेज देते हैं, a/b को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b/a इज इक्वल टू √2। अब देखिए हमें यहाँ ज्ञात है कि a और b यहाँ पे a और b होगा, ये दोनों संख्या हैं, पूर्णांक है a और b। देखिए यहाँ लिखे हैं a और b पूर्णांक है, जेड से आ रहे हैं, तो ये वाला क्या पार्ट हो गया मेरा, परिमेय हो गया। ये वाला पार्ट हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, और हमें पता है, हमें ये बात पता है कि हमेशा तुलना समान चीज़ों में होती है। ये वाला पार्ट मेरा परिमेय आ रहा है, ये वाला पार्ट अपरिमेय आ रहा है, तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, चूँकि ए एवं बी पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या होगी, b/a परिमेय संख्या होगी, ये वाला पार्ट परिमेय हो गया, ठीक है, b/a एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √2 जो है b/a के इक्वल है, तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु
इससे हमें इस कथन का विरोधाभास मिलता है कि रुट्टु एक अपरिमेय संख्या है या विरोधाभास हमें हमारे गलत अनुमान की वजह से मिल रहा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा कथन ये सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब यहाँ पे हम प्रोसीड किए हैं तो मेरा b/a ये पता है कि b और a दोनों पूर्णांक, तो b/a भी मेरा परिमेय संख्या है और b/a √2 के बराबर है, तो दोनों चीज़ के बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ बराबर है। दोनों चीज़ के बराबर होने से क्या पता चल रहा है कि ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, परंतु हमें यह पहले से पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है, यदि इसकी इक्वल तो ये परिमेय होगा, परंतु √2 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जो हम पहले से चीज़ जान रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास, उसका कंट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज होता है। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हम शुरू में मान के चले हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो हम माने हैं वो गलत साबित हुआ, ठीक है, अर्थात 1/√2 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।